यहां हम लोगों के पास एक प्रिज्म है। मैं क्या करूंगा, लेजर सोर्स से लाइट इस प्रिज्म के एक सरफेस पे इंसिडेंट करवाऊंगा। फिर हम लोग ये देखेंगे कि उस लाइट का किस तरह का रिफ्रैक्शन हो रहा है इस प्रिज्म में। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूम के लाइट को ऑफ कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग करेंगे लाइट को इंसिडेंट। यहां पर आप देखें लाइट किस तरह से प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टेड हो रहा है। अब देखिए यहां पर कुछ की पॉइंट जो है ये हम लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर लिखता हूं। ये लेट्स से पॉइंट पी है, यहां पर जो इंसिडेंट किया, यहां पर ये पॉइंट क्यू, और ये पॉइंट हो गया पॉइंट आर, और ये पॉइंट हो गया पॉइंट एस। चलिए इन्हें नाम दे देते हैं। ये जो पी क्यू है, इस लाइट रे को कहा जाएगा इंसिडेंट रे, क्योंकि यहां पर लाइट इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट रे। उसके बाद देखिए यहां से हो रहा है इसका रिफ्रैक्शन, ये ग्लास प्रिज्म के अंदर जा रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां पर, तो क्यू आर को कहा जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे है ये रिफ्रैक्शन के बाद, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और फिर यहां से आर पॉइंट से ये फिर से रेयरर मीडियम में, मतलब एयर में रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रहा है, तो इस आर एस को चूंकि ये इमर्ज कर रहा है इसीलिए इसे इमर्जेंट रे कहा जाता है, बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसे इमर्जेंट रे कहा जाता है। यहां पर ध्यान दे, ये जो एंगल होगा इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, इसे नॉर्मली ए लेटर से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर ये एंगल जो है इसे प्रिज्म का एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। वेल, कुछ और भी चीजें यहां पर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को अगर हम आगे प्रोपेगेट कर देते हैं और ये इमर्जेंट रे को अगर हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो हम ये पाएंगे कि इंसिडेंट रे अगर अनडेविएटेड होता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, तो ये सीधे इस पाथ में ये आगे बढ़ जाता। और अगर इमर्जेंट रे को आप देखें तो पीछे की तरफ हम ले गए तो उसका पाथ जो है ये वाला उसका पाथ बना। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है, लेट्स से उस एंगल को हमने नाम दे दिया डी। तो ये जो एंगल डी है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, इतना ये डेविएट कर रहा है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, इतना डेविएशन हो रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन। वेल, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे वो इंसिडेंट किया है लाइट रे, उस सरफेस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर ये हो गया नॉर्मल, तो ऑब्वियसली इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, लेट्स से ये एंगल आई है, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए आप, यहां पर ये रिफ्रैक्ट किया, इस तरह से पी क्यू आया, और रेयरर मीडियम से, मतलब एयर से, ये एयर है जो कि ग्लास से रेयरर होता है, ग्लास डेंसर मीडियम होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, और ये फिर से यहां पर एयर। सो एयर से जब ये ग्लास में गया रिफ्रैक्ट होके, तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। सो ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और फिर वापस से ये पॉइंट आर में जाके ये इंसिडेंट कर रहा है, दैट मीन पॉइंट आर से अगर हम इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो यहां पर ये भी बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हुए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। चलिए इसे मैं आई डैश नाम दे देता हूं, यहां पर हम लोग इसे लिखते नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, यहां से जो ये बाहर निकला यहां पर, तो ये इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, लेट्स से ये एंगल ई है, वैसे देखा जाए इस सेंस में यहां से लेके यहां तक, इस सेंस में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन होल सिनेरियो को अगर देखा जाए तो इस एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस इसे कहा जाता है। तो वेल, ये था प्रिज्म में लाइट रे का रिफ्रैक्शन के कारण एसोसिएटेड कुछ टर्म्स।
और किस तरह से ये जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो भी हमने इस वीडियो में देखा, और भी बाकी जो एसोसिएटेड टर्म्स था उन सब के बारे में हमने इस वीडियो में, जो बेसिक चीजें हैं जो स्टैंडर्ड 10th के लिए जरूरी है, उन सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पार होता है, उसका जब रिफ्रैक्शन होता है, तो बाहर निकलते हुए, इमर्ज करते हुए, वही व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स में टूट जाता है, जिसे कि डिस्पर्सन कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, जो कि रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है ग्लास प्रिज्म से पार होते हुए, उस पर बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोज का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।